दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप रनिंग शुरू करते हो काफ़ी समय के बाद, या अचानक से आपके मन में ख्याल आता है कि आप दौड़ना शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि कुछ दिन या कुछ समय के बाद आपके पैरों में एक दर्द होने लगता है जो आपको दौड़ने ही नहीं देता है। उस कंडीशन को हम शिन स्प्लिंट बोलते हैं। ये एक पैरों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होने वाली परेशानी है और एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसको हम मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसमें जो पेन है वो किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद नी से लेके एंकल के बीच में कहीं भी हो सकता है। इसकी अलग अलग वैरायटी भी होती हैं कि ये फ्रंट लेग में हो रहा है, इनसाइड है, आउटसाइड है लेग के, मतलब लेग के चारों ओर किस जगह हो रहा है उसके हिसाब से। इसे एंटीरियर टिबियल शिन स्प्लिंट, पोस्टीरियर टिबियल शिन स्प्लिंट, मीडियल और लैटरल टिबियल शिन स्प्लिंट बोलते हैं। तो एंटीरियर का मतलब है फ्रंट में हो रहा है पेन, पोस्टीरियर का मतलब है पीछे की तरफ। तो जो एक और खास बात है कि नॉर्मली जिस जगह पेन हो रहा होता है जरूरी नहीं है कि सोर्स ऑफ पेन भी वही है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन उसी साइड पे चीज़ें हैं जहाँ पे दर्द हो रहा है वो अलग हो सकती हैं। खास तौर से ये रनर्स के अंदर होता है और हमारे इंडिया में देखा जाता है कि जब लोग किसी आर्मी रिक्रूट या पुलिस की रिक्रूट के लिए लंबे समय तक दौड़ना शुरू करते हैं या हेल्थ ख़राब है और आपने एकदम से सोचा कि अब मैं रोज़ सुबह दौड़ लगाना शुरू करूंगा और आपने एकदम से बहुत लंबा टारगेट लिया, जॉगिंग करना शुरू किया, तो तब ये कंडीशन होती है। तो रीज़न या तो ये है कि भाई आपने ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया कि आपको जो कायदे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करके दौड़ना था आपने सीधा आधा घंटे दौड़ना शुरू किया, या आपकी ट्रेनिंग भर्ती का टाइम आया तो आपने रोज़ दौड़ना शुरू किया, लंबे लंबे समय तक दौड़ना शुरू किया और सड़कों पे हार्ड सरफेस पे दौड़ना शुरू किया, और जब आप दौड़ लगा रहे हैं तो आपने चप्पलों में दौड़ लगाना शुरू कर दिया, सही तरीके के स्पोर्ट्स शूज़ को यूज़ नहीं किया, वो भी इसका एक कारण होता है। उसके अलावा जो सड़क है वो ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन सरफेस है उसकी, उस पर दौड़ना शुरू किया, या कोई बहुत ही मोटा व्यक्ति हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दौड़ लगाना शुरू करता है, या पहले पैर में कोई चोट हो चुकी है उसके बाद भी शिन स्प्लिंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक कंजनाइटल रीज़न होता है, उसे बोलते हैं फ्लैट फुट। तो जिनके तलवे सपाट होते हैं जब वो लोग दौड़ लगाते हैं तो उनके भी पैरों पर काफ़ी जोर पड़ता है, उसको भी हम शिन स्प्लिंट बोलते हैं। तो इसके बचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं कि आप जो दौड़ लगा रहे हो धीरे धीरे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाओ, और जो पहले हफ्ते में 3 दिन दौड़ो, फिर धीरे धीरे 4 दिन, 5 दिन करके बढ़ो, और सॉफ्ट सरफेस पे दौड़ने की कोशिश करो, और अच्छी क्वालिटी के शूज़ यूज़ करो, ऊबड़ खाबड़ सड़क पर मत चलो। अगर फ्लैट फुट है तो एक बड़े स्पेशल टाइप के शू इनसोल मॉडिफिकेशंस आते हैं, जो जूते के अंदर पतवा डालते हैं वो डिफरेंट टाइप का होता है, उसको यूज़ करो फ्लैट फुट के अंदर। और अगर आप रनिंग करना चाह रहे हो तो एक तो रनिंग सारी एजेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रनिंग एक हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। जब आप दौड़ते हो तो पैर जोर से ज़मीन पर पड़ता है, जिससे कि जो दोनों बॉन्स होती हैं घुटने की उनके बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है मेनिस्कस, उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो एक बढ़ती हुई एज के लिए रिकमेंडेड नहीं है, उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है कि आप वॉक करो, उसके साथ साथ ब्रिस्क वॉक करो, फिर पहले नॉर्मल वॉक, फिर थोड़ा तेज कदमों वाली ब्रिस्क वॉक, फिर अगर लगता है तो 2-4 मिनट के लिए एक रन किया, फिर नॉर्मल मूव करना शुरू किया, फिर ब्रिस्क वॉक किया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुअली आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने का तरीका है, इससे चोट के या इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जब ये इंजरी हो जाती है तो इसके साइन और सिम्टम भी होते हैं कि पैर के अंदर एक डल टाइप का पेन बना रहता है, जो दुखन जैसा रहता है, और ख़ास तौर से तब होता है कि जब आप एक्सरसाइज करके चुके होते हो या दौड़ लगा के चुके होते हो, उसके बाद होता है। पैरों में ध्यान से देखने पे थोड़ी स्वेलिंग भी मिलेगी और आपको ऐसा लग सकता है कि पैर या तलवा जो है वो नंब हो रहा है, थोड़ी वीकनेस आ गई है और वहाँ पे मसल स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गई है। और
ख़ास तौर से पेन जब बढ़ जाता है कि जब जो टोज़ और फुट हैं वो आगे की तरफ बैंड होते हैं, तो आगे की तरफ मुड़ते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पेन होता है ऐसे कंडीशन में शिन स्प्लिंट के अंदर। और कई बार तो इतना ज़्यादा ओवर एफर्ट करना, ओवर स्ट्रेस होना बोन के ऊपर कि स्ट्रेस फ्रैक्चर तक हो जाते हैं। एक महीन पतला सा फ्रैक्चर जिसे हम हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं वो तक भी डेवलप हो जाता है। तो इसको देखने का तरीका होता है कि नॉर्मली तो आप क्लिनिकल हिस्ट्री से कि आपने दौड़ लगाने की हिस्ट्री ली और आपको पता चल गया कि पहले ये नहीं दौड़ते थे, अभी इन्होंने बढ़ाया है, तो ज़्यादातर केस में तो उससे ही आप डायग्नोस कर पाते हो। पर अगर बहुत ही कुछ अजीबोगरीब हिस्ट्री हो, आपको डाउट हो, तो MRI एक तरीका होता है जो कि बोन मैरो के अंदर तक देख पाता है, वो बता देता है कि किस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको प्रॉब्लम है। उसके अलावा रेस्ट होना चाहिए ट्रीटमेंट के तौर पे, रनिंग नहीं करनी चाहिए अगर शिन स्प्लिंट की कंडीशन के साथ कोई आता है, उनको रेस्ट करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जिस ट्रेनिंग के लिए वो दौड़ लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे वो उस ट्रेनिंग को, उस दौड़ को अटेंड ही ना कर पाए, तो रेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर। और अगर वो चाहते हैं कि उस इवेंट को वो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी के साथ करें, तो वो दूसरे ऐसे तरीके अपना सकते हैं, जैसे स्विमिंग को अपना सकते हैं, या एक जिम के अंदर स्टैटिक साइकिल्स होती हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर्स होते हैं जिम के अंदर। ये नॉन इम्पैक्ट है, इनका पैर पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ये एक्सरसाइज की जा सकती हैं। उसके अलावा बर्फ़ से सिकाई बड़ी अच्छी होती है इस कंडीशन के अंदर, सारी इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस के अंदर। अगर आप 15 से 20 मिनट आइस को एक पॉलीथिन में रैप करके आप 15-20 मिनट के लिए सिकाई करें दिन में 2-3-4 बार, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। क्रैप बैंडेज बांधने से, या एक इस तरीके की सॉक्स आती हैं, कंप्रेशन सॉक्स आती हैं, उसको लगाने से भी आराम मिलता है। NSAID या एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो वो काफ़ी फ़ायदा करती हैं, उसे हमेशा ये सोच के निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये पेन किलर हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिंस होती हैं। और अगर वो इंडिकेटेड हैं, डॉक्टर की इंडिकेशंस हैं, आपके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो देनी चाहिए। और भी इसके अंदर कुछ और स्पेसिफिक मेडिसिंस भी आती हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। उसके अलावा आपको मसल की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो काफ मसल की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी चाहिए आपको। शू के अंदर मॉडिफिकेशन, मतलब अच्छे शूज़ लेने चाहिए, दौड़ जो है वो घास पे लगानी चाहिए या सॉफ्ट एरिया पे लगानी चाहिए जब आप ठीक होते हैं। और एटलीस्ट जब भी आप दोबारा शुरू करने वाले हों तो एक अच्छा पीरियड निकले जिसमें आपको कोई पेन ना हो, उसके बाद ही दौड़ लगाना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक या दो दिन के बाद आप दौड़ लगाना शुरू कर दें। अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो डी आर दिल्ली।